हाय फ्रेंड्स, देव्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे बताइए, यूजुअली आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, जो वेजिटेरियंस है वो क्या ऑर्डर करते हैं? कोई डिश होती है पनीर की, जैसे कढ़ाई पनीर हो, पालक पनीर हो, पनीर बटर मसाला हो। जी हाँ, पनीर बटर मसाला मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। मुझे याद है जब भी हमारे पिताजी हमें होटल में लेके जाते थे बचपन में, हमारे घर के पास एक होटल था शेरे पंजाब करके, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो डिश हम लोग ऑर्डर कर रहे थे वो थी पनीर बटर मसाला। इतनी टेस्टी उसकी ग्रेवी रहती थी। मेरी तो इतनी फेवरेट ये डिश है कि होटल मैनेजमेंट होने के बाद जो सबसे पहले मैंने घर पे डिश बनाई थी वो थी पनीर बटर मसाला, और वही डिश आज हम बनाएंगे। मैं खुद शेफ हूँ तो मुझे उसकी टेक्निक्स पता है, और मैं आपको बताऊँगा कि होटल में जो बनती है ग्रेवी, उससे भी बेहतर ग्रेवी कम समय में हम घर पे बना सकते हैं। पनीर बटर मसाला डिश एकदम बढ़िया हम डिश बनाएंगे। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है सूखी वाली, उसे मैंने उबालने के लिए रखा है पानी में। इसे हम 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। दोस्तों, ये जो पनीर बटर मसाला है वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो बेस होता है, मतलब ग्रेवी का एक बेस बनाना पड़ता है, तो उसे हम सबसे पहले बना लेंगे। और उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अच्छे वाले टमाटर, फिर हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज ली है और शिमला मिर्च, काजू, साथ ही साथ हमने खड़ा गरम मसाला लिया है जिसके अंदर हमने ब्लैक पेपर और लौंग लिए है, और यहाँ पे बड़ी इलायची है, दालचीनी है, फिर हमने यहाँ पे तेजपत्ता भी लिया है, और हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा जीरा। पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें लेंगे सबसे पहले थोड़ा ऑयल, ऑयल डालने के बाद हम लेंगे जीरा, और जो खड़ा गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्यों डाल रहे हैं हम इसमें? तो शिमला मिर्च से ग्रेवी की टेस्ट जो है वो तो बहुत बढ़िया आती है। तो इसमें आप जब भी बनाएंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल के देखिए, बहुत टेस्टी होती है ग्रेवी से। और फिर हम डालेंगे टमाटर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इजी प्रोसेस है एकदम। तो डाल देंगे काजू, एक 8-10 काजू डाले हमने, जैसे मैंने बताया अगर काजू आपके पास है या चार मगज है उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, विदाउट नट्स भी आप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ग्रेवी आपको ठीक करनी पड़ेगी, टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। जब सॉफ्ट कर लिया है और इसमें डालेंगे पानी, पानी डालने के बाद इसे उबालना है एक 10 से 15 मिनट। दोस्तों, हमारे ग्रेवी का जो बेस है वो रेडी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन तब तक हम एक काम करते हैं, जो कश्मीरी शिमला मिर्च जो बॉईल करके ली थी हमने उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाते वक्त मैं उस साथ ही साथ में उसमें अदरक डाल रहा हूँ, और ये इतना लहसुन, और इसकी पेस्ट बना लेंगे। अभी अगर कश्मीरी शिमला मिर्च हमारे पास घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कश्मीरी शिमला मिर्च की पाउडर होगी तो उसका इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, वैसे भी टमाटर हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ इसमें कलर अच्छा आएगा इसके लिए कर रहा हूँ, और थोड़ा टाइम बचे इसके लिए अदरक लहसुन की पेस्ट अलग नहीं बना रहा हूँ। कश्मीरी शिमला मिर्च, अदरक लहसुन एक ही साथ में हम पेस्ट बना लेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मैं मिक्सर में से घुमा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट रेडी है। 10 मिनट हमने इसे उबाला है और टमाटर अच्छे से गल गए। अब गैस बंद करेंगे और इसमें से जो तेजपत्ता है वो निकालेंगे, फिर बड़ी इलायची निकाल लेंगे, और जो दालचीनी के पीसेस है बड़े बड़े वो निकाल लेंगे, और ये जो बाकी बेस है इसे हम अभी थोड़ा ठंडा करके पीस लेंगे, अच्छे से उसको ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट बनानी है इसकी। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो ग्रेवी का बेस है
उसे हमने अच्छे से पीस लिया है, उसकी फाइन पेस्ट बना ली है। अब यहाँ पे मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें लेंगे ऑयल और इस पैन में जाएगा प्याज, तीन मीडियम साइज के प्याज हमने कट करके दिए है। और इसे अच्छे से चलाना है, इसे ब्राउनिश कलर आने तक हमें भूनना है। यहाँ पे मैंने दूसरा पैन भी लिया है, इसमें मैं डालूंगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी काफी टाइम जब हम रखते हैं घर पे तो थोड़ी सॉगी हो जाती है, थोड़ी सी क्रिस्पी करनी है मुझे, इसके लिए मैं थोड़ा सा उसे गर्म कर ले रहा हूँ और फिर गर्म करके निकाल लूंगा, एक बोल में रख दूंगा। प्याज हमें ब्राउनिश होने तक भूनना है, लेकिन तब तक पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी चिली पाउडर, हल्दी, थोड़ा दही, थोड़ा नमक और थोड़ा बेसन, इसे कर लेंगे मिक्स। देखिए इसको अभी ब्राउनिश कलर आ गया ऑलमोस्ट, अच्छे से इसे प्याज को भूनना है तभी टेस्ट जो है मसाले में अच्छी आएगी। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए, अभी हम इसमें डालेंगे जो पेस्ट बनाई थी हमने चिली अदरक और लहसुन की। देखिए दोस्तों मसाले का कलर कितना बढ़िया आ रहा है, इसे अच्छे से भून लिया है हमने और मसाले को अभी ऑयल भी अभी छूट रहा है, मसाले का ऑयल, इसका मतलब है मसाला अभी कुक हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, थोड़ी धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। ये दोस्तों मसाले का कलर कितना बढ़िया आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें डालेंगे जो बेस हमने बनाया था टमाटर का, इसे करना है मिक्स, इसे अभी हम उबालेंगे। और ये मसाला, ये जो ग्रेवी है ये बन रही है हमारी, तब तक मैंने एक पैन रखा है यहाँ पे गरम करने के लिए। तो इस पैन में हम पनीर जो है वो टॉस करेंगे, थोड़ा ब्राउनिश कलर देंगे उसको। थोड़ा बटर और ऑयल इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। आप पनीर वैसे भी डाल सकते हैं जस्ट कट करके भी ग्रेवी में, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे ऐसा भून लूंगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दूंगा ताकि पनीर और भी टेस्टी लगे। ये पनीर के पीसेस को अच्छे से कलर आ गया है, अब इसे डालेंगे हम अपने ग्रेवी में। हल्के से इसे जस्ट मिक्स करना है, दोस्तों इसमें डालेंगे थोड़ा हनी, एक छोटा चम्मच हनी में डाल रहा हूँ, इसमें थोड़ा नमक और एक स्पून हमें डालना है इसमें बटर। वाओ कितना बढ़िया कलर आया हुआ है इसका, अगर घर में आपके पास थोड़ा क्रीम हो तो आप डाल सकते हो क्रीम, उससे थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है, थोड़ा सा कलर और एक थोड़ा सा लाइटर हो जाता है और टेस्ट और
बढ़ जाती है, लेकिन मुझे पता है अभी लॉकडाउन है, शायद ना हो क्रीम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बटर डाल देंगे, इसे कर लेंगे मिक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी हमारी, जो है कसूरी मेथी। मैंने आपको बताया कसूरी मेथी सबसे लास्ट में डालना है, और मैंने उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया था ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, और फिर अब उसे हमें थोड़ा सा क्रश करना है कसूरी मेथी को। उसकी पाउडर हमें डालनी है इस पनीर बटर मसाला में। इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है, और सबसे लास्ट में डालनी है ये कसूरी मेथी हमें। देखिए उसका रंग देखिए दोस्तों, नींबू डाल रहा हूँ, और नींबू डालने के बाद यहाँ पे मैंने गैस बंद कर लिया है, थोड़ा सा हनी मैंने बढ़ाया है, और अब इसे मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत जबरदस्त लगी है। एक काम करता हूँ, इसे सर्विंग डिश में निकाल लेता हूँ। दोस्तों अगर आज की डिश आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और देव्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।